मैया से मगनवा हो गौरैया बनके दुखवा के करना मगली मैया से मगनवा हो गौरैया बनके। भाव समझा इधर इनका भाव क्या है हो गौरैया बनके देवी मैया सुनी ल पुकार हो गौरैया बनके देवी मैया सुनी ल पुकार हो गौरैया बनके देवी मैया सुनी ल पुकार हो गौरैया बनके। बड़ी बौरहिया और यार माता रानी सुन लिया पुकार बौरहिया बन के वो बौरहिया बन के दे ये बौरहिया बन के मांगत यहाँ गीत के भाव समझ है कि माता रानी सुन लिया पुकार नित दिन मैया को मनाया करती थी और माता रानी के चरण में अपने को प्रेम को लगाया करती थी और दूसरी देखकर हंसा करती थी। गीत पर ध्यान दे बाबा प्रसांगिक है थोड़ा उस साचे दरबार की जय हो। अरे नीतू सयानी लड़की मैया के जल चढ़ावे नीतू सयानी लड़की मैया के जल चढ़ावे नीतू सयानी लड़की मैया के जल चढ़ावे। ए भैया साउंड ऑपरेटर थोड़ा तबला का टेबल कम करा। नीतू सहेली नीतू सयानी लड़की मैया के जल चढ़ावे नीतू सयानी लड़की मैया के जल चढ़ावे नीतू सयानी लड़की मैया के जल चढ़ावे। अच्छा मिले घराना मैया के मित बनावे अच्छा मिले घराना मैया के मित बनावे अच्छा मिले घराना मैया के मित बनावे। माँ की सेवा किया करती थी बिना माँ का भोग लगाए बिना माँ का स्नान कराए स्वयं भोग ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन उसी की सहेली यह देख हंसे प्रतिदिन रेनू रही सहेली यह देख हंसे प्रतिदिन रेनू रही सहेली यह देख हंसे प्रतिदिन रेनू रही सहेली यह देख हंसे प्रतिदिन क्योंकि रेनू रही
कने तू पूजा करे अकेली। वो जानती थी कि मेरी सखी का मन पूजा में नहीं लगता है, तो बड़ी ठिठोली मारती है, इतना हंसती है कि नीतू सयानी लड़की मैया के जल चढ़ावई, अच्छा मिले घराना मैया के नित मनावई। यह देख हंसे प्रतिदिन रेणु रही सहेली, रुख देख उसका नीतू पूजा करे अकेली। हमारे बड़े भैया श्री अरुण कुमार त्रिपाठी, बड़े भैया जी के कर्मों द्वारा 100 रुपए के पवन पुरस्कार आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं माता रानी के चरणों में, माता रानी के गीत पे। माता रानी भैया को सदा भरा भंडार रखें और सदा कृपा बरसती रहे। यह देख कहां से प्रतिदिन रेणु रही सहेली, रुख देख उसका नीतू पूजा करे अकेली। करती थी क्या नीतू के घर नाम बजली, नीतू के घर ना बजली, अरे शादी के बजनवा हो बहुरहिया बनके। नीतू के घर ना बजली, अरे शादी के बजनवा हो बहुरहिया बनके, हो बहुरहिया बनके। देवी मैया जनवा हो बहुरहिया बनके, देवी मैया सुनेला पुकार। अब जब नीतू का सगाई हो गई, नीतू दुल्हन बनके अपने घर से चली गई और रेणु जब अकेली रह गई तो उसका टाइम पास नहीं हुआ करता था, इसका मन छटपटाया करता था, मन घबराया करता था, क्योंकि दो के साथ में रहा करती थी, अकेली हो गई तो अब उसका भी घर पर देखा जाने लगा। माता रानी की ऐसी कृपा हुई, कुछ दिन के बाद रेणु की भी हुई सगाई, अच्छा मिला घराना बन करके दुल्हन आई। कुछ दिन के बाद रेणु की भी हुई सगाई, अच्छा मिला घराना बन करके दुल्हन आई। दो साल के ही भीतर नीतू को हुआ लालन और 6 साल बीता, रेणु ससुरे बनी अभागन। बोल सांचे दरबार की जय। क्योंकि माँ का वो दरबार है, अरे पूजा करो प्रसाद चढ़ाओ, जन जन का सम्मान है, ये वो दरबार है कि पूजा करो अरे प्रसाद चढ़ाओ, जन जन का सम्मान है, अरे सारी बाधाएं हर लेती इनका यही विधान है, सारी बाधाएं हर लेती इनका यही विधान है, सारी बाधाएं हर लेती इनका यही विधान है। हाँ पूजा करो प्रसाद चढ़ाओ, पूजा करो प्रसाद चढ़ाओ, पूजा करो प्रसाद चढ़ाओ, जन जन का सम्मान है, सारी बाधाएं हर लेती
ललकार के रसिया मन वांछित फल पाता है। कहते हैं ललकार के रसिया मन वांछित फल पाता है। कहते हैं ललकार के रसिया मन वांछित फल पाता है। बूढ़ जवान विध नर नारी एक समान जानती है। यहाँ एक दूजे के पिता है, वो सबकी माँ है, वो चाहे किसी की माँ हो उसकी भी माँ है, क्योंकि उसने कहा है, तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि आदि शक्ति जे जग उपजाया सोई अवतर मोर यह माया, ये है जगत जननी जगदम्बिका। तो श्रद्धा भाव से जो भी माँ के दर पे नित्यपति आता है, कहते हैं ललकार के भक्तगण मंचित फल पाता है। इतना ही नहीं कि बाल जवान वृद्ध नर नारी ये एक समान जानती हैं। अरे श्रद्धा भाव है किसने कितना भैया खूब जानती है। श्रद्धा भाव है किसने कितना भैया खूब जानती है। अरविंद प्रकाश भैया जी के सब बड़े से पुत्र मनीष तिवारी हमारा भतीजा, ये भैया जी के कर्मों द्वारा 11 रुपए के पावन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भैया को कोट कोट से आशीर्वाद, उज्जवल भविष्य कामना, माता रानी भैया को सद्बुद्धि दे, धैर्य प्रदान करें। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। 6 साल बीता, 2 साल के ही भीतर नीतू को हुआ लालन और 6 साल बीता रेणु ससुरे बनी अभागन। तो एक दिन की बात, जब रेणु से नीतू से मिलती है रेणु, अरे वाह भाई वाह, ये छोटे बच्चे को बाल ब्रह्म जी के कर्मों द्वारा 21 रुपए के पावन पुरस्कार, कोट कोट से आशीर्वाद, उज्जवल भविष्य कामना, हे भैया सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलो सच्चे दरबार की। भाई अपने मन में विचार कर रही है कि रे बाप, 2 साल के ही भीतर हमारी सहेली को माता रानी ने, परमपिता परमात्मा ने बच्चा दिया और मेरा 6 साल बीत गया, इतने बड़ा भागन में तो मेरा तो बाझन नाम पड़ने वाला है, लोग मुझे बाझन की नजर से देखते हैं, ऐसा संकट में पड़ गई। माता रानी से निवेदन करने लगी और पूछने लगी, भाई लना ललना मिल खाई, अरे रेणु के नैनवा हो बहु रहिया बनके। भाई लना ललना मिल खाई, रेणु के नैनवा हो बहु रहिया बनके। कि देवी मैया सुनिला पुकार श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी के बड़े सुपुत्र, हमारा बड़ा भतीजा श्री अतुल कुमार त्रिपाठी, आप भैया जी के कर्मों द्वारा 51 रुपए के पावन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भैया को कोट कोट से आशीर्वाद, उज्जवल भविष्य कामना, माता रानी भैया को सदा खुशियां बरसाती रहे। बोल सच्चे दरबार की जय हो। कि भाई लाना लखना मिल खाई, रेणु के नैनवा हो बहु रहिया बनके, हो बहु रहिया बनके। अरे देवी मैया सो
क्या बनी। विचार करने की बात है, आजकल अगर साल डेढ़ साल में पतोहुक पता लगावत रहा थी पड़ोसी ने कि कार्य फलनवा बहुत कुछ बा, अपने सासू को तो नहीं भीड़ ना आज जितना पड़ोसी कर रहा था। बोल माता रानी की जय हो। अरे दूसरे के देखी बच्चा, दूसरे के देखी बच्चा रेनू थी हाथ मलती, क्योंकि उसके पास माता रानी ने एक भी बच्चा नहीं दिया था। वो माता रानी की पूजा देख के हंसा करती थी। एक सखी जब माता रानी की पूजा करती थी तो दूसरी सखी खी 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 खींचनी पोरा करती थी, दुनिया का बकवास किया करती थी। माता रानी के मन में, माता रानी के भजन में माता रानी कितने तिसमें बैठी हो देखती यहाँ की कैसे गावत हाँ, कितना हेमा बैठी हो भजन ना सुन दी यहाँ, गौर से देखती यहाँ कितना महबावत हाँ। ये माता रानी के कान देखती यहाँ, बिजली चमकत बेका देखती यहाँ, हम का बोलते ही सुनते नायन बोल माता रानी की जय हो। अरे भागवत कथा सत्संग जहाँ पर हम ज्यादा संख्या में एकत्रित हो वहां पर विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। सत्संग ही माता रानी का जगराता है। बोल सच्चे दरबार की। अरे दूसरे का देखी बच्चा रेनू थी हाथ मलती, एहसास करत रहली है मैया भैल गलती, एहसास करत रहली है मैया भैल गलती, एहसास करत रहली है मैया भैल गलती। नीतू से मिली एक दिन बोली सखी बचावा, नीतू से मिली एक दिन बोली सखी बचावा, नीतू से मिली एक दिन बोली सखी बचावा, नीतू से मिली एक दिन बोली सखी बचावा। अरे बाजिन तनाव हो ये नाव से छुड़ावा। क्या हुआ रेनू तेरे कोई बच्चा नहीं हुआ? अरे बच्चा हुआ होता तो क्यों इतनी बड़ी रुआई थी? नाना प्रकार के पैर पकड़ के अपने सखी का के गिराने लगी कि सखी कोई ऐसी युक्ति बता, कोई ऐसी दवा बता, कोई ऐसी उपाय बता कि मुझे मेरा भी गोद हरा भरा हो जाए, नहीं तो बाझिन तो ना होगा ही, घर का भी ठिकाना नहीं होगा, लात मार के निकाल दी जाऊंगी। अब नीतू की बात सुन करके कहती है रेनो नीतू, कैला पर ना चल जा हो, अरे मैया के दुवरिया हो बौरहिया बनी के का हमसे जिन कहा हाँ अदाड़ी श्री विनय दुबे हमारे साढ़ू भैया बच्चा दुबे एक क्या रुपए के पवन पुरस्कार कोट कोट आशीर्वाद जुलबी से कामना। अगर यह अभी है या जब फिर कार्य 50,000 का कार्यक्रम लागत है तो 20,000 का सेट और जब फिर कार्यक्रम लागत है तो सेट कहीं कार्यक्रम ऐसा रहा। बोल सच्चे दरबार की। कहने लगी रेनू से कि न सखी दूसरे का देखी बच्चा रेनू थी हाथ मलती, एहसास करत रहली हे मैया भइल गलती, नीतू से मिली एक दिन बोली सखी बचावा, बाझिन तनाव हो गया यहना उसे छोड़ावा। तो नीतू कहने लगी कि बहन तू मुझसे मत कह, तू इतना मुझसे क्यों रो रही है? तू जितना मुझसे रो रही है इतना जाके माँ के दरबार में रो दे, माँ को सुना दे। मंत्र देती है सखी अपने सखी को, कैला पर ना चल जा हो, हो, हो। कैला पर ना चल जा माई के समनवा हो
मैया बनके कि देवी मैया सुनी है पुकार तो गौरैया बनके देवी मैया सुनी है पुकार तो गौरैया बनके देवी मैया सुनी है पुकार तो गौरैया बनके सखी का ही तरह मंत्र पाई नीतू तो इतना पाने के बाद हर घर की स्थिति यही है कि क्यों क्यों कहा थे कि मैं अरे बुढ़िया कितनी बुढ़ापा रोज सवेरे पतो होके आशीर्वाद दे थे लेकिन कितनी बुढ़ापा रोज सवेरे उठा थे कहा थी जान रहा। अच्छा बोल सच्चे दरबार की रेनो सुनती बतिया बोली है अपने पति से भोरवई में चला साजन रथ साज साज सज के अब देर करब देरी नाइन सारी रात भन 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 अपने पति के कहने में भर के बहाय दी कि अब पति जी कहा था अब ले माई के सुधि नाई रही कब से तू माई के पुजारन हो जाऊ कब से तू भक्तिन हो जाऊ बोल सच्चे दरबार की जय हो। धनिया जी वही चला माई के धाम मोरे पति जी बाजिन तनाम हो गया मंत्र देहले मोर सखी जी कि कैले परनवा दुइनो कैले परनवा दुइनो अरे माई के समनवा हो बहुरहिया बनके अरे माई के समनवा हो बहुरहिया बनके अरे पहुंच गए तो कहत कहा कि देवी मैया सुनी ले पुकार हो बहुरहिया बनके देवी मैया बहुरहिया बनके देवी मैया सुनी ले पुकार हो बहुरहिया बनके देवी मैया सुनी ले पुकार हो बहुरहिया बनके देवी मैया सुनी ले पुकार हो बहुरहिया बनके के दरबार में जब हाजिरी लगाते हैं मैया के नाम का जय जयकार करते हैं जैसे हम आप कर रहे हैं बोल शेरा वाली की बोल दुर्गा मैया की इन्हीं की कृपा है जो कैचिर के माध्यम से आप सुनते हो कि हे मैया तोहरे निहोरा भरल बानी हमरा के कोरा। आखिरी लाइन में आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री सुप्रकाश त्रिपाठी रामचरितमानस के प्रचंड वक्ता आप श्रीमान जी के कर्कणों द्वारा 51 रुपए के पौन पुरस्कार अपने लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं और मैया सदा भरा भंडार रखे बोल माता रानी की विश्वास मन में लेके मैया की पूजा कैले एक साल के ही अंदर गोदी में लाल पौले संसार में शोर हो गया अरे मैया है बड़ी दानी इनसे जो मांगता है
भर देती है। बोल साचे दरबार की रहो। इनका यही काम है कि सुनती है मायनवा सबको, सुनती है मायनवा सबको, और देती है बरदनवा हो बौरहिया बनके। सुनती है मायनवा सबको, देती है बरदनवा हो बौरहिया बनके। देवी मैया रसिया खाया तोहर द्वार हो बौरहिया बनके।